ॐ अवकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति की बात समझा रहे हैं। जिसमें विद्या शक्ति होती है उसकी नज़र परमात्मा मई होती है, ब्रह्ममयी सत्यमयी होती है। भक्तिमयी होती है और सबसे महत्वपूर्ण समर्पणमयी होती है। जब अर्जुन ये समझ गए कि वो अपनी बुद्धि से मोह का नाश नहीं कर सकते, धर्म क्या है अधर्म क्या है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मन में विषाद क्यों हो रहा है और क्या इस विषाद में भय भी शामिल है, हाथ पैर कांप रहे हैं, रथ पर बैठ गए हैं, दिल बैठ सा गया है, पसीना निकल रहा है, तो हाथ जोड़ कर कहते हैं मैं आपका शिष्य आपको समर्पित। क्या अर्थ है यहाँ पर समर्पित होने का? समझ तो ये आता है कि इसका अर्थ है जो आप कहेंगे जो आप कराएंगे सिर आंखों पर। आप मुझे रास्ता दिखाइए और जब रास्ता दिखाया गया, पूरी भगवत गीता समझाई गई, तो लास्ट में अर्जुन कहते हैं हाथ जोड़ के फिर से स्मृति लब्धा, आपकी कृपा से ये सब चीज़ें मैं जानता तो था पर भूल सा गया था, मन संसार में गुम सा गया था, गफलत में पड़ गया था, आपने याद करवा दिया। आपका शत शत शुक्रिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो श्री कृष्ण ने क्या युद्ध तो नहीं करा उनके लिए? केवल जो मन के गुंजल थे, जो बुद्धि के द्वंद्व थे कि जमीन भी मिल जाए और आसमां भी मिल जाए, इसको ठीक कर दिया कि आसमां में उड़ना है तो
तो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। ज़मीन से भी संग करें और उड़ने की भी चाह रखें। मैंने सृष्टि ऐसी बनाई ही नहीं है, उन्होंने बता दिया। गिरीश चंद्र घोष को श्री रामकृष्ण उपदेश दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान करा कर सुबह शाम ज़रूर बैठा कर। तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नियम में खुद को नहीं बांध सकता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे। अच्छा चल ऐसा कर कि जब सुबह उठता ही है तो बिस्तर से नीचे उतरने से पहले थोड़ा भगवान को याद कर लिया कर, और रात को जब लेटता है तब याद कर लिया कर। वो फिर हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं होगा, मैं खुद को नियम में नहीं बांध सकता हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है। तो फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा चल ऐसा कर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे को दे दे, मैं देख लूँगा। गिरीश खुश हो जाते हैं, वाह ये तो बढ़िया रास्ता बता दिया, इन्होंने ही सब कुछ करना है, मुझे तो कब कुछ करना ही नहीं है, मुक्ति मैं चाहता हूँ और ये मुझे दिलवा देंगे। तो वहाँ वो कहते हैं, ठीक है ये मैं मानता हूँ, आपको दे दी। गिरीश यहाँ समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा बाद में। उसके पुत्र की मृत्यु होती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी भगवान श्री रामकृष्ण के हाथ में है, अर्थात वो कर रहे हैं और मैंने स्वीकार करा हुआ है। जब आप वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आपके भले के लिए ही वो कार्य करेगा, नहीं तो क्यों दोगे आप? आपका उस पर विश्वास होता है पूरा। तो पुत्र की मृत्यु हुई, उन्होंने करा है, इसमें हित ही छुपा है, कोई फायदा कोई नुकसान पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है, इसमें हित छुपा है। आप जब इस पर विचार करते हैं तो समझ आता है कि हर परिस्थिति हर अवस्था जो भी भगवान दे रहे हैं उसमें ये हित छिपा है कि ज़मीन छोड़ें आसमां की तरफ जाएं, मन में द्वंद्वों को लेके न जिएं। सबसे बड़ा हित अनासक्ति का होता है, जो अनित्य है उसमें आसक्त होने के कारण अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता है, भगवान में विलीन नहीं हो पाते हैं। कहना अलग बात है मैं ईश्वर प्राप्ति चाहता हूँ, उसको समझकर उसके अनुसार जीवन बनाना अलग बात है। लक्ष्य अगर यही है तो जो सबसेट्स हैं जिंदगी के, जो कार्य करने हैं, जो छोटे छोटी घटनाएं हो रही हैं जिंदगी में,
वहाँ ये समझने की कोशिश करनी है कि परम हित हमारा जो है भगवत प्राप्ति करने के लिए, उसके लिए जो अनासक्ति की आवश्यकता है वो देने के लिए भगवान ने ये घटना प्रस्तुत करी। कोई भगवान हमारे दुश्मन तो है नहीं कि हम उनसे प्यार करते हैं और वो हमारे से बदले निकाल रहे हैं, ये बात तो कहीं ठीक नहीं लगती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, समटाइम्स द बैड थिंग्स दैट हैपन इन अवर लाइव्स पुट अस डायरेक्टली ऑन द पाथ टू द बेस्ट थिंग्स दैट विल एवर हैपन टू अस। अपनी ही जिंदगी में देखें, जो जो मुश्किलें आईं, जो जो घटनाएं लग रहा था कि भाई ये तो बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, उनसे गुजर जाने के बाद उनमें क्या हित छिपा था, इस पर विचार करें। स्टीव जॉब्स अपने एक लेक्चर में कहते हैं कि वो घटनाएं अगर न हुई होती जो मेरे लिए सबसे मुश्किल दिखती थी, तो आज मैं यहां पहुंचा ही ना होता। कॉलेज से निकाल दिया जाना, एप्पल को बनाना और फिर उसमें से उसको निकाल दिया जाना आदि, आपकी अपनी कंपनी, आपका अपना बच्चा और आपको उसमें रहने नहीं दिया जा रहा उसके साथ, तो दिल तो टूटता है। उसने कहा मेरा भी टूटा था, पर ये न होता तो आज एप्पल यहां पर न पहुंची होती। अपने अपने जीवन में देखें, जहां जहां आपको रोना आया, हताश हुए, ऐसा लगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, उसके कारण कहां तक पहुंचे। मुझे याद आता है कि एक दो बार जब बहुत कष्ट हुआ, वो इतनी फायदेमंद परिस्थितियां निकली बाद में, आज जहां पर हैं वहां पहुंच ही नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए कि स्कूल में बहुत ज्यादा नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे थोड़े कम आ गए, जैसे पहाड़ टूट पड़ा था कि इंजीनियरिंग में अब एडमिशन नहीं मिलेगी। और उसका परिणाम एक ऐसी संस्था से जुड़ जाना जिसने जीवन की डायरेक्शन ही बदल दी, रामकृष्ण मिशन से जुड़ जाना, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, श्री कृष्ण, श्री रमणा से जुड़ जाना, वो हो ही न पाता। वो पूरी घटनाओं में नहीं जाते हैं, बाद में आईएएस बनना है, दृढ़ इच्छा, जब उसमें नहीं हो पाया पहले अटेम्प्ट में, बहुत दुख हुआ, और फिर गवर्नमेंट में दूसरी एक जॉब करी, एक्सटर्नल अफेयर्स में, और वहाँ 6-8 महीने में ही पता चल गया कि भाई यहाँ के लिए हम नहीं बने हैं। अगर आईएएस में हो जाता या दोबारा उसके लिए प्रयत्न करते
और वहीं फंसे रहते जीवन भर, तो उससे बड़ा दुख हो नहीं सकता था, जीवन व्यर्थ चला जाता। तो ऐसी जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जहां दुख हुआ, बाद में जब हाइंडसाइट में देखते हैं तो लगता है क्या कृपा हुई, उस समय समझ नहीं आ रहा था जब आप फंसे होते हैं तो। किसी एक बहुत ही परम मित्र ने कुछ धोखा दिया, उसके बाद भगवान ने जो तीन गुणों की बातें बताई, उनकी समझ बहुत गहरी हुई। एक्सेप्टेंस और सरेंडर एक ही बात है, समझ आई। तो उस समय जो दुख हो रहा होता है, साधना क्या है, उस समय उससे अलग खड़े हो जाएं। शादी माम त्वाम प्रपन्नम प्रपन्नम प्रपन्नम, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप समझाओ। श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, भगवान तो दिल में ही बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठे हैं, हमारी अंतरात्मा है, वो उसी क्षण आपकी प्रार्थना सुनते हैं और गुंझलों को सुलझाना शुरू कर देते हैं। कथा आती है परशुराम जी की, धनुष टूटा, परशुराम जी पहुंचे, थोड़ा शोर मचाया, लक्ष्मण से थोड़ा वाद विवाद हुआ, फिर उनका भी धनुष तोड़ दिया गया श्री राम द्वारा। अब यहाँ तो परम आनंद की स्थिति मिलनी चाहिए थी। जब ये समझ आ रहा है कि ये भगवान साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, पर परशुराम जी को दुख हुआ, अपमान जो हुआ था, तो वो अकेले जंगल में विचर रहे थे उस दुख में डूबे हुए, अपमान हुआ उनका। चलते चलते उन्हें एक पेड़ के नीचे एक अवधूत बाबा ध्यान करते हुए मिले, उनको बड़ा अच्छा लगा उन बाबा को देखकर, उनके पास जाकर बैठ गए। पूछते हैं, बाबा आप कौन हैं? ऐसा लगता है जैसे संसारा संसार आपके चरणों में पड़ा है, आप इतने प्रसन्न हैं, इतने आत्मसंतोषी दिख रहे हैं, आप कौन हैं हमें बताइए। बाबा कुछ न बोले, वो छोटे छोटे कंकड़ों से खेल रहे थे। परशुराम जी ने फिर पूछा, बाबा ने उनकी तरफ एक कंकड़ फेंका, परशुराम जी ने बुरा नहीं माना, हाथ जोड़ के बैठे हैं, बाबा ने दूसरा कंकड़ फेंका, तीसरा फेंका, चौथा फेंका। परशुराम जी हैरान हुए देख रहे थे कि कंकड़ उनको लग नहीं रहे हैं, कोई चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, पर बाबा फेंक तो रहे हैं, जैसे उनसे आर पार होके दूसरी तरफ गिर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होने लगा। परशुराम जी को बात समझ आ गई कि जीवन में जब ऐसा लगता है कि
परमात्मा कंकड़ फेंक रहे हैं वो हमारे को मारने के लिए नहीं होते हैं, कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, हमारे को जगाने के लिए होते हैं। उनका विषाद उसी समय प्रसन्नता में बदल गया कि कंकड़ लगते नहीं हैं। अर्थात आपकी आत्मा को, आपके अंदर जो प्रकाश है उसको तो कोई कंकड़ छू नहीं सकता। हाँ, मन में बना लेते हैं कि ये छू रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, आत्मा को तो वो छू ही नहीं सकता। आपका जो आनंद स्वरूप है उसको तो वो जरा भी छू नहीं सकता है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जानी कसी मरसी प्यासा। आनंद सिंधु में हमारा वास है, बस ये जानते नहीं हैं और अपने को प्यासा मानते हैं, दुखी मानते हैं, कभी सुखी कभी दुखी हो रहे हैं। कंकड़ कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, जगाने के लिए होते हैं। जो भी मुश्किल परिस्थितियां आएं, वो हमें जगाने के लिए कि जिंदगी की प्रायोरिटीज फिर से ठीक कर लें। कहीं ना कहीं जमी आसमां दोनों चाह रहे हैं, द्वंद्वों में मन फंसा हुआ है, फिर से अनासक्ति का प्रयत्न करें, विरक्ति के लिए प्रार्थना करें, अनित्य में न घूम जाएं, नज़र फिर से नित्य पर स्थित हो जाए। भगवान हम पर कृपा करें कि हम हर परिस्थिति में उनकी कृपा का अनुभव कर पाएं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।